मोदी योगी की बात रहा अगर अहमत वो ज्यादातर वह रखा करूँ। मोदी ठीक ठाक आदमी ये एक एक नंबर का आदमी है, दुनिया में नंबर वन है। अच्छा। तो ठीक सके ठीक गाँव सही गाँव अक्सर बिगड़ रहे हैं इसके ना ठीक गाँव से। आपकी तो राजवलाई एंटी आनी है और भिवाड़ी का विकास 100% होना ही है, आने की तरक्की होगी और आने वाले टाइम में बच्चों की तरह जीत करेंगे। मैं तो यही चेयरमैन सीएम इलेक्शन करवाने नहीं है। वार्ड किसका है? वार्ड पहले बिल्लू बादशाह जी, वहाँ से बिल्लू बादशाह जो 7 बार जीत चुका है, छोटा पॉकेट बड़ा धमाका करने वाला है भाई। बिल्कुल दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त विनोद छोरा। आपने जिस तरीके से चुना है कि चुनाव की सरगर्मियां तेज होनी शुरू हो चुकी है और हरियाणा के साथ साथ भिवानी में काफी धमाल और कमाल होने वाला है। गर्मी वैसे तो 45 डिग्री क्रॉस कर चुका है पारा, लेकिन यहाँ पर चुनावी पारा अपना रंग दिखाना शुरू कर चुका है। पहला कार्यक्रम आपको दिखाने वाला हूँ। धनखड़ साहब आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के हैं और यहाँ पर कमाल होने वाला है। यूथ काफ़ी संख्या में दिखाई दे रहा है। फिलहाल हम कार्यक्रम है और जलपान का कार्यक्रम है। राजवाला शोरानपुर में जिला पार्षद रही हैं और कार्यकारिणी के सदस्य हैं बीजेपी में, उनके कार्यक्रम को यहाँ देखने के लिए हम आए थे, क्या कवर करना है धनखड़ साहब से बात करेंगे। लेकिन कमाल हो रखा है यहाँ पर, भीड़ इतनी। और अभी मैं आपको एक बार टाइम दिखा दूँ, थोड़ा सा प्रतिभा दिखाएंगे एक बार। ये जो टाइम है अभी 12:15 हैं और मैंने सुना है कि धनखड़ साहब 1 बजे तक पहुँचेंगे, उससे भी लेट हो सकते हैं, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है, कमाल हो रखा है। किस कार्यक्रम में आगे जी? जी राजवाला। अच्छा राजवाला, क्या कुछ इलेक्शन में आने वाली है, क्या लग रहा है संभावना है? देखो इलेक्शन में एक तो वोट देंगे। अच्छा। जी किसके कार्यक्रम में? राजवाला को सुना रहे हैं। राजवाला के कार्यक्रम में और इतना सारा यूथ है भरा पड़ा है। भाई साहब किसका कार्यक्रम हो रहा है यहाँ? शुभम। किसका हो रहा? शुभम शर्मा। अरे ओ शुभम, किसका कार्यक्रम हो रहा है भाई साहब? कार्यक्रम तो बता दो किसका। धनखड़ साहब का, राजवाला मैडम का करवा रखा सर यहाँ पर है। और ये सर्कल बैठा है, इतना सारा यूथ बैठा है और ओके की खिंचाई कर दी इन बच्चों ने स्पेशली। भाई साहब किसका कार्यक्रम हो रहा है, कौन करवा रहा है कार्यक्रम पता है? ये थोड़ा सा मुंह छुपा रहे हैं, यूथ है ये देख लो, कमाल होने वाला है। और यहाँ पर ये गुट और खड़ा है, एक ग्रुप और खड़ा है। भाई साहब अर्षित है, आज यहाँ कैसे पहुँच गए? भाई साहब आज हमारे जो ओम प्रकाश धनखड़ जी है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, वो यहाँ पर आएंगे और जो हमारे भावी चेयरमैन के उम्मीदवार हैं राजवाला शोरान जी बहन जी हैं, जो हम उनके समर्थन में आए हैं और आज हम बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। और 36 बिरादरी का भाईचारा भिवानी का, और महिलाएं भी जेंट्स भी, और वही जो हमारा युवा संगठन का जो परिवार है एक तरह से, वो हमारे साथ यहाँ पे राजवाला बहन जी के समर्थन के लिए आया है। एक बात बताओ, मैं पीछे कैमरा बच्चों से बात कर रहा था, सारे यहाँ हुक्का गुड़गुड़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सबसे पूछा मैंने, सुना कि बोले सारे हर्षित के साथ आए हैं समर्थन देने आए, कितने के लेके आए हो आज? मैं भाई साहब आज मेरा एस्टिमेट है 500+ मैं लेकर आया हूँ, जिसमें महिलाएं भी हैं, जेंट्स भी है और मेरे युवा साथी भी हैं। उनका मानना ये है कि भाई हर्षित भाई जो मैं उनको कहूँगा भाई ये सही है, तो उनके लिए वही सही है। और हमें अगर राजवाला बहन जी को चेयरमैन बनने का मौका मिला तो हम आने वाले 5 साल में भिवानी का हम इतना विकास कर देंगे कि आगे जनता ये कहेगी, बच्चों की तरह बच्चे ये नहीं कहते स्कूल मेलों में कि भाई मुझे तो यही खिलौना चाहिए। कितनी उम्र होगी? मेरी 21 वर्ष होगी भाई साहब। पूरी होगी? हाँ जी भाई साहब, 27 को हो जाएगी भाई साहब। 27 तारीख को अभी हुई नहीं है भाई साहब। इलेक्टेड होने के लिए आप तो रेडी भी नहीं हो अभी? हाँ जी सर। चुनाव? यस सर, मैं 27 तारीख को 21 का हो जाऊंगा। मन बनाओगे? हाँ जी सर। और 27 तारीख को बड़ा यहाँ पर ऐलान होने वाला है। अर्षित छोटा सा लड़का, लेकिन 500 लोग शायद, मैं तो सच बोलूंगा शायद कड़वा है कि विधायक के प्रोग्राम में इकट्ठे नहीं होते 500 लोग, और यहाँ पे अर्षित ने इकट्ठे कर दिए। मैं भाई साहब आने वाले 5 साल में अगर हमें मौका मिला तो भिवानी का मैं ऐसा माहौल बनाऊंगा, भिवानी की हर पब्लिक के लिए काम करूंगा और ऐसा माहौल बना दूंगा वो बच्चों की तरह ये कहेंगे कि हमें तो राजवाला बहन जी जैसी चेयरमैन चाहिए। खासियत ये है कि हम काम करेंगे, खासियत हम बताएंगे नहीं, काम करके दिखाएंगे, तो जनता अपने आप कहेगी हाँ भाई हमें ये कहेंगे कि भाई हम इन जैसी भी नहीं चाहिए, हमें तो यही चाहिए, हमें इलेक्शन करवाने नहीं है, हमें तो यही चाहिए। हम इतने हाँ जी, हम तो बालन भी कर रखे हैं, पता होगा कोर्ट में जाते हैं। बिल्कुल कर रखे हैं जी, तो अंदर भी हैं वो। हाँ, और धीरे धीरे हमने उनके लिए भी बहुत कैंडल मार्च भी निकाली है और भूगड़ताल भी की हमारे सुशील वर्मा जी ने भी,
तो उसे पुलिस वाले ने लिख के दी थी सात बातें, भाई एक हफ्ते में हम सबको पकड़ लेंगे, जो भी कब्जा है सबको देखेंगे भाई किस किसने कब्जा कर रखा है। राजवाला शोरण में क्यों खासियत दिखी आज, तो प्रोग्राम तो 17-20 जगह हो रहे हैं, 18-20। भाई साहब मैं अभी ज्वाइन हुए मेरी बीजेपी, तो मैंने देखा भाई बीजेपी में कौन कौन कैंडिडेट हैं, कौन लायक है कौन नहीं है, तो मैंने देखा कि सब में जितने भी बीजेपी के कैंडिडेट है भिवानी में उनसे सबसे अच्छे मुझे यही लगे भाई मेरी नज़रों में, और जो मेरी नज़रों में है और जो मेरे साथ जुड़े हुए सबकी नज़रों में भाई राजवाला बहन जी बहुत अच्छी हैं। कमाल की बात है, सारे हर्षित के साथ राम राम सभी छोटे मेरे भाइयों को, बड़े सदस्यों को, ये बड़े भाई हमारे हर्षित गोयल और इनके साथ हम आए हुए हैं यहाँ प्रोग्राम, और राजबाला जी के साथ ये जो मनोरंजन करवा रखा है इन्होंने, इससे हम बहुत खुश हैं और इनके साथ हम फुल सपोर्ट में हैं। छोटा पॉकेट बड़ा धमाका सिद्ध होगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा। तुम्हारा वार्ड किसका है? वार्ड तुम्हारा वार्ड किसका है? वार्ड पहले बिल्लू बादशाह जी, वहाँ से बिल्लू बादशाह जो 7 बार जीत चुका है, छोटा पॉकेट बड़ा धमाका करने वाला है भाई। बिल्कुल जी। राजवाला जी, एक छोटा सा लड़का आपके समर्थन में आपके पैर में 500 बच्चों को 500 महिलाओं को ले आया है, विधायक का चुनाव लड़ रही हो क्या? अभी ऐलान भी नहीं करा यार ये। मैंने मेरे साथ काफी टाइम से जुड़ा हुआ बेटे का दोस्त है, मैंने सिर्फ ये कहा था बेटा धनखड़ साहब का चाय का प्रोग्राम है, हमें 50-100 आदमी जोड़ने, मुझे खुद को ही नहीं पता था इतनी पब्लिक आ जाएगी। हाँ भिवानी पब्लिक प्यार इतना करती भाई, पता अगर ये बन गए ना तो उनका विकास के लिए कार्य बहुत तरक्की से होंगे और भिवानी की तरक्की होगी और आने वाले टाइम में बच्चों की तरह जीत करेंगे। हमें तो यही चेयरमैन सी हम इलेक्शन करवाने नहीं है, इतना मतलब माहौल बना देंगे हम भिवानी का। राजवाला जी इतना विश्वास है इन बच्चों में कि वो कहेंगे कि भिवानी वाले की चुनाव चाहिए ही नहीं आपके बाद, क्या करोगे मोदी जी वाला काम करके भिवानी में? ये तो देखो इन बच्चों की है, लेकिन वाकई में भिवानी की जनता मुझे प्यार करती है। मैंने एक फोन के साथ अभी मुझे 3 दिन पहले ही पता चला कि धनखड़ साहब चाय पे आ रहे हैं, मैंने बच्चों को और मेरी माता बहनों को फोन किया कि भाई एक एक दो दो महिलाएं हैं, लेकिन गाड़ियां अभी तो आने लग रही हैं महिलाएं, बच्चे आने लग रहे हैं, महिलाएं मेरे भाई बुजुर्ग आने लग रहे हैं, मैं इनकी प्यार को देख के गदगद हो रही हूँ। प्रोग्राम क्या है धनखड़ साहब वैसे? चाय पे आने के लिए उनका हार्दिक अभिनंदन, कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं है, उनका हार्दिक अभिनंदन। एक बात है, अगर आज चुनाव के लिए नब्ज टटोलने आ रहे हैं तो जीत टिकट तो आप ले जाओगे इस हिसाब से, तो इतनी भीड़ मुझे नहीं लगता भिवानी में कोई करेगा। तो जी 1000 बच्चे हैं, ये मेरे साथ तो हजारों की संख्या साथ है, आशीर्वाद देना तो उनका काम है, वो क्या सोचेंगे। भिवानी की 36 बिरादरी है ना जी, 36 बिरादरी का भाईचारा, और पूरी 36 बिरादरी राजवाला बहन जी के साथ है जी, 36 की 36 बिरादरी, और आज का युवा भी महिलाएं भी सब इनके साथ है। राजबाला जी बिजी इतनी आज आओ भगत इतनी हो रही है, मेहमान आए हैं सारे, क्या कहोगे राजबाला के पीछे पीछे हो लिए? राजबाला एंटी आनी है अब की, तो राजबाला एंटी आनी है, और भिवानी का विकास है 100% होना ही है। अब की बारी आंटी सब पे भारी, सब पे भारी, राजबाला आंटी सब पे भारी, सब पे भारी, राजबाला आंटी सब पे भारी। नारे लगने शुरू हो गए, ये बड़ी बात है, छोटे छोटे बच्चे, क्या कहोगे? हर्षित भाई के साथ है, हर्षित भाई के साथ है, हर्षित किसके साथ है? मैं राजवाला बहन जी के साथ हूँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी बाबू जी, क्या कहोगे किसका कार्यक्रम क्या करवा रहे हो आज इतनी भीड़? आज कह रहे कि मंत्री साहब का कार्यक्रम है और उसमें जो है वो अपने चेयरमैन जी का जो है उसका समर्थन। राजवाला के भी चर्चे चल रहे हैं शहर में कि इसको भी टिकट मिल सकती है। भारतीय जी टिकट पता नहीं किस टिकट मिल जाएगी, जो बस काम के हुए होगा। महिलाएं हैं और राजवाला भी एक महिला है, तो महिला के तौर पर महिलाओं से जरूर मैं बात करूंगा अंदर है फिलहाल है, कि क्या भीड़ के बारे में कहेंगी, क्या है माहौल है, और फिलहाल हम अंदर चलने वाले हैं और कुछ महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं उनसे पूछेंगे, और गाने बजाने भी चल रहे हैं भाई, आप देख सकते हैं यहाँ पर मनोरंजन का भी यहाँ पर एक माहौल तैयार किया गया स्पेशली अंदर का, स्पेशली बात करूंगा। हाँ जी कहाँ से आए हो? हम गांव से आए हैं जी। गांव से आए? हाँ जी। राजवाला शोरण को जानते हो, इनसे मिलना है? कुछ जानते हैं जी, कुछ हाथ जान लेंगे। हाँ जी। यूँ सुना है कि चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो रही है? हाँ जी उठ रहे। किसी के लेडीज कैसी हैं? लेडीज तो अच्छी बता रहे हैं जी। अच्छी बता रहे हैं, सुना है चर्चा। हाँ जी क्या कहोगे, किसके प्रोग्राम में आ रहे हो, क्या करवा रहे हो? राजवाला के प्रोग्राम में। हाँ जी
हम सारी लेडीज उनके साथ हैं, वो पहले भी काम करती थी अब भी करती है, वो बनो या ना बनो वो हमारा काम करती है। भीड़ बहुत ज्यादा होगी, भीड़ वो काम करती है जी, इसलिए हम उनके साथ हैं। कमाल की बात है, और यहाँ पे बहुत सारी भीड़ होने वाली, देखिए किस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई हैं। मैं बात करने वाला हूँ फिलहाल, और भाई रागनिया आनंदा रहे तो गाँव ठीक सके, ठीक गाँव सही गाँव से अक्सर बिगड़ रहे हैं इसके ना, ठीक गाँव से भाई वो ठीक गाँव है, नहीं तो भाई उसने भी टो लेती जो इसने लेके आया है, कमाल की बात है। हाँ जी, भजनों भजनों में आनंद ज्यादा मिल रहा है कि सोच में डूबे बैठे हो? नहीं, भजनों का तो आनंद है ही, लेकिन भजनों के साथ जो कार्यकर्मी कार्यकर्ताओं का जो अभाव है उसकी तो खुशी का कोई अंदाजा ही नहीं है। जो हमारे कार्यकर्ता श्री राजबाला जी है, जिन्होंने हमारे लिए प्रोग्राम रखा, जो हमारे कार्यकर्ता है जो इतना काम करते हैं, उसके उपलक्ष्य में इतना सुनने को मिल रहा है, हमें जो आनंद मिल रहा है उसके लिए हम आभारी हैं। हां जी, और बहुत भीड़ बहुत ज्यादा होगी, चाय पानी का प्रोग्राम बता रहे थे। नहीं, वो भी अभी होगा, समय के अनुसार सभी होता है। खाली छोटा मोटा प्रोग्राम बता रहे थे, भीड़ इतनी होगी? नहीं, छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं है, हमारे राजबाला जी के कार्यकर्ता छोटा काम होता है क्या? इतना बढ़िया काम कर रही है, उनका छोटा काम कैसे होता है? रानी की मौत दी गई। हाँ जी, मोदी तो बाद में आएगा, पहले हमारे कार्यकर्ता, लेडीज की नारी शक्ति हमारी अलग ही है। जो दो बुजुर्ग बतला रहे हैं, और बुजुर्ग बतलाते हैं तो ज्ञान की बात जरूर होती है। कौन सी बातचीत चल रही है साहब? बुजुर्ग बुजुर्ग बातें करते हैं तब ज्ञान की बातें होती हैं। मारी तो वो है कोई, मतलब मेरे बारे में मेरी तो मोदी योगी की बात रहे, अगर अहमत वो ज्यादा तो वह रखा करूँ। मोदी ठीक ठाक आदमी, ये एक एक नंबर का आदमी है, दुनिया में नंबर वन है। 9 बजे आके बैठे थे और यो टेम हो गया, हमने मारा, देख लो इतनी महिला है। नू 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 बताओ, सारी बात छोड़ो, राजवाला इसी के चुंबक ले रही है, सारी खींची चली है, एक भी नहीं हाली दम, एक भी बोले हाली मारा इसका प्रेम से। देखा राजवाला एक बार हमारी मीटिंग में भी गई थी। मतलब कई दिन का जुड़ा, कई दिन का जुड़ा मान लो। आज धनखड़ साहब भी, धनखड़ साहब भी कह गए कि तम भी सही बताऊं, वो पहली बार देखे सर, जे टिकट दे देंगे तो दे देंगे तुम्हारा, कि मैंने किमी तो करवावेगी काम, सारे काम करवावेगी, हां जितावांगे क्यों को नहीं। अगर टिकट मिल गई राजवाला बहन जी को तो भिवानी के महिला और युवा इनके साथ है, और अगली बार मैंने आपको बोला था, फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा माहौल बना देंगे कि अगली बार है ना ये जीत करेंगे, मैं तो यही चेयरमैन चाहिए। क्या आप बताइए, सुबह से देख रही हैं, क्या कहेंगे, इतनी सारी लेडीज इकट्ठी होना बड़ी बात है, बैठी रही जी? बिल्कुल कम बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आज यहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आए, इस उपलक्ष्य में हमारी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एडवोकेट राजबाला शरण जी ने काफी अच्छा प्रोग्राम कराया, जहां महिलाएं पुरुष सभी ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, युवा वर्ग भी था, और सभी महिलाओं का समर्थन है। अगर भाजपा जो है दीदी को अगर देती है टिकट, तो ये देख लो कि कितनी संख्या में यहाँ है, तो इन सभी से पूछ लीजिए और कितनी संख्या में आएंगे। ये तो एक छोटे सा चाय का प्रोग्राम था, जो कि जिसमें हमने एक छोटा सा उनके स्वागत के लिए बहुत ही कम समय में ये सारी चीजें की है। अगर टिकट मिलती है तो सोचिए क्या होगा। सारी महिला शक्ति राजबाला जी के साथ है। हाँ जी बिल्कुल, नारी शक्ति जी शक्ति यूं मान के चले कि इनके साथ और भी महिलाएं हैं। ये तो छोटा सा रूप था, वर्क सब है जी, ये तो छोटा सा रूप, एक के खेल पांच तो मान के चले। हाँ बिल्कुल, अभी कितनी भीड़ होगी, कितनी ये कम से आप मैं तो बता दो, ऊपर बेशक होगी, कम नहीं है, 1000 बेशक होगी। यहाँ पर सारी खुश हैं ये महिलाएं, और हैप्पी एंडिंग हो रही है यूँ समझिए तो, कहीं ना कहीं ये सारे लोग बड़ी खुशी के साथ यहाँ से वापस लौट रहे हैं। पहला कार्यक्रम कैसा दिखा आपको यहाँ पर? लगातार मैंने दिखाया, धनखड़ साहब आए, मंच खचाखच भरा था, पूरी भीड़ थी, आप क्या कहेंगे, क्या संकेत है कि टिकट किसे मिलेगी, टिकट लेने वाले को क्या करना पड़ेगा भिवानी में? भिवानी की टिकट यू मान के चलिए कि MLA से घाट नहीं है भाई ये टिकट। तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें, तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।